हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनलिमिटेड गॉल्फ। तो आज का ब्लॉग हिंदी में, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला है कि हिंदी में बोलो, हमें भी समझे, इसीलिए आज का ब्लॉग हिंदी में। तो आज है महाशिवरात्रि। तो कल रात को मैंने शेयर किया था, लेकिन काफ़ी लोगों ने देखा नहीं था। मैंने जो वो तालपोश बनाया था ऊल से, वही तो अभी तक चल रहा है, कंप्लीट हुआ नहीं है। पर फिर भी मैं बताऊंगी रात तक कितना हो पाया है। और शिवरात्रि तो रात के टाइम है, तो इसीलिए रात को क्या किया वो भी शेयर करूंगी। और इतना लिपस्टिक लगा के अभी से बैठी नहीं हूँ, रेडी नहीं हुई हूँ अभी, बट मैं कहीं बाहर गई थी, तो बाहर से क्या लाया है वो भी तुम लोगों से शेयर करूंगी। तो चलो देखते हैं क्या क्या किया मैंने आज। और कल संडे है, कल हम जा रहे हैं एक जगह, तो वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। टिल देन टाटा बाय बाय। तो मॉर्निंग में हमारे घर पे पहले पूजा कर लेते हैं और फिर उसके बाद शिवरात्रि की तैयारी। ओम नमः शिवाय। तो वीडियो जो मैंने मॉर्निंग में शेयर किया था, उसकी सारी चीज़ें घर पे बनाई हुई थी। जैसे ये डमरू, वो जीरू के बॉटल के बेस से बनाया गया है, बाकी चीज़ें कार्डबोर्ड से, नीचे मैग्नेट के थ्रू स्टैंड किया गया, और ये आँखें फैब्रिक पेंट से, एक प्लास्टिक पे किया गया और फिर आइस पे चिपकाया गया। ये शिवलिंग जो है वो प्रॉपर आइस से बनी हुई है और उसे फिर हमने अच्छे से सजा लिया। क्यों, लग रहा है ना बढ़िया? तो ये था हमारा होममेड शिवलिंग। उसी के बाद मैं और मम्मा लंच लग जाते हैं ये लंच के प्रिपरेशन में। तो ये एक पूरी बना रहे थे हम, जो हमने इस्कॉन में ट्राई किया था, पुणे के इस्कॉन में, तो उसे ही हम आज घर पे बना रहे हैं। तो ये मैदा, दाल, जीरा और भी काफ़ी मसालों से बनाई गई थी, और ये आलू का सूखा भाजी। तो ये बना के होते ही मैं और मम्मी निकल जाते हैं मार्केट की तरफ। तो मार्केट से लौटते वक्त हम ले आते हैं ये अजवाइन का झाड़। ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था, बट हमने देख लिया तो ख़रीद लिया। तो लौटते वक्त ही हम देख लेते हैं ये मंदिर जो सजाया हुआ है, यहाँ पे हम आने वाले हैं इवनिंग में। तो आते ही लग जाती है भूख, तो उसी के लिए मैं और मम्मा लग जाते हैं प्रिपरेशन में। तो मैंने पूरियाँ बेल दी और उन्होंने जल्दी से जल्दी ही तल लिया। तो एक ऐसा भी पूरी हमने बनाया था, लाइक थोड़ा बड़ा साइज़ में, और क्या, जैसे होटल्स में हम खाते हैं ना, हमने इस्कॉन में भी यही साइज़ का खाया था, तो हम बस यही ट्राई कर रहे थे। तो यही था मेरे लंच में, पूरी भाजी और शीरा। फिर थोड़ा सा रेस्ट करके निकल जाते हैं मैं और हस्बैंड शिव मंदिर के लिए। ज़्यादा दूर नहीं था, घर से 5 ही मिनट के डिस्टेंस पे था, तो ये क्या हम पहुंच गए। लेकिन हमने तो सोचा था कि काफ़ी रश होगा, पर अच्छा ही हुआ कि रश नहीं था, क्योंकि कल ही हमें अर्ली मॉर्निंग ना एक जगह के लिए निकलना है। हाँ, मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो पहले यहाँ का दर्शन कर लेते, फिर थोड़ा आगे चलते ही थोड़ा सा लाइन था, बट वो लाइन जल्द से जल्दी चले गया। वैसे तो मैंने सोचा था कि काफ़ी अच्छे से शूट करूँगी मंदिर, फिर शिवलिंग, सब कुछ ही, लेकिन सब हो नहीं पाया, क्योंकि अंदर जाते ही वो लोग ना 1-2 मिनट से ज़्यादा रुकने नहीं देते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ शूट तो नहीं कर पाई, पर जितना हो उतना किया। तो बाहर ही होम हुआ था और यहाँ चल रहा था भजन, जो लोग अटेंड कर रहे थे। तो ये था मंदिर, फिर हम वहाँ से थोड़े बहुत सेल्फीज़ लिया। अच्छा, सेल्फीज़ तो मैंडेटरी है, तो हमने 1-2 सेल्फीज़ लिए और वहाँ से निकले। मुझे तो लगा था ये आज के दिन के लिए आखिरी दर्शन होगा शिव जी के, लेकिन लौटते वक्त ही हमें एक और शिव जी दिख गए। तो मैं आप लोगों को भी बताने की कोशिश कर रही हूँ, देखो आप लोगों को भी दिखते हैं क्या। तो ये थे दूसरे शिव जी। तो इन्हें देख के मेरा मन तो प्रसन्न हो गया, आप लोगों का हुआ क्या? तो शिवरात्रि का ब्लॉग आप लोगों से शेयर कर दिया है, जो भी मैंने मॉर्निंग से किया है टिल नाउ। और अब हमारा प्लान है कल के लिए, कल संडे है, एक नई जगह हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये जो शिवलिंग बनाया था वो मेरे डैड ने बनाया था, सारी चीज़ों को रीयूज़ करके और बर्फ़ से। तो मैंने सोचा ये क्रिएटिविटी भी आप लोगों से शेयर कर दूँ। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। और इफ़ आप लोगों के पास भी कुछ आइडियाज़ है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और आफ्टरनून में जो लंच में मैंने पूरी खाई थी वो भी काफ़ी टेस्टी था, हमने वो इस्कॉन में ट्राई किया था, पुणे के इस्कॉन में। तो आज घर पे मम्मी ने ट्राई किया, हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, आप लोगों के पास भी कुछ अलग और ईजी रेसिपीज़ हैं तो होता है तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में।